हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कटिंग एंड स्टिचिंग। सो फ्रेंड्स, देखिए आज मैंने ये हमारा फैब्रिक लिया है। ये हमारा फैब्रिक है, देखिए इसका हम बनाएंगे हमारा पिलो कवर यानी तकिए का कवर। मैं आपको तकिए का कवर बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, जिसे आप बहुत ही आसानी से बाजार जैसे रेडीमेड पिलो कवर्स बना सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखिए पिलो कवर बनाने के लिए मैंने फैब्रिक लिया है। देखिए हमारा काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, मोटा फैब्रिक। देखिए ये मेरे को कट पीस जो टुकड़े होते हैं उसमें मिला है, और ये मेरा काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिला है मुझे। आप इसी तरीके से आपके पास कोई कपड़ा या टुकड़ा पड़ा हो उससे आप अपने पिलो कवर्स बना सकते हैं। तो देखिए मैं आपको इसको खोल के दिखा देती हूँ, हमारे इसकी लेंथ क्या है। देखिए हमारा फोर फोल्ड है, चार तय हुई हुई है इसकी, दो और दो। देखिए हमारा फोर फोल्ड है, फोर फोल्ड के बाद हमारा देखिए जो इसकी लंबाई आ रही है बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। हम आपके आपको तकिए का कवर रख के दिखाते हैं इसका। देखिए ये देखिए हमारा बिल्कुल परफेक्ट साइज आ रहा है इसका। हम क्या करेंगे, हम इसको कट नहीं करेंगे, हम इसकी गोट निकाल देंगे चारों तरफ से, जितना भी हमारा एक्स्ट्रा निकल रहा है हम बेवजह कपड़ा वेस्ट नहीं करेंगे। कपड़ा वेस्ट करने के बजाय हम उसमें से कट करके जो वेस्ट होगा उससे अच्छा हम उसकी गोट निकालेंगे। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमारा जो ये कपड़ा है चार तय में है ये देखिए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसी तरीके से हमें इसको डबल फोल्ड करनी है। इस तरीके से ही हमारी चौरा कर लिया है, हमारा चौरस कपड़ा था, हमने इसको चार तय कर ली है। चार तय करके हम इसको इधर से अलग कर देंगे, हम इसको इधर से अलग कर देंगे। देखिए पहले हम जल्दी से इसका एक सार कर लेते हैं कपड़े को, फिर उसको रख कर हम कट करेंगे। एकदम चारों तरफ बराबर कर ली है, अब हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए आपको जिस तरफ से भी आपका पिलो कवर आसानी से निकले चार तय के बाद, आपको उस तरफ से कट करना है। मेरा ऐसे आसानी से निकल रहा है। अगर आपका कपड़ा किसी और शेप में है या फिर आपके देखिए लेंथ में से नहीं विड्थ में से आपके पिलो कवर से निकल रहे हैं, तो आप विड्थ से कट करें, मैं लेंथ से कट करूंगी। तो चलिए हम कट कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए हमने कट कर लिया है, हम दो पिलो कवर्स बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके से इसको रख लेना है। देखिए इस तरीके से रख कर हमें ये वाला पार्ट माइनस करेंगे इस तरह, जैसे हमारे रेडीमेड पिलोज आते हैं उस तरीके से पिलो कवर्स आते हैं इस तरीके से। देखिए इस तरह, अगर हमारा लेंथ ज्यादा होगा तो हम देखिए हमने चौड़ाई में से कट नहीं करना है, हम लंबाई से कट कर लेंगे। अगर हमारा काफी ज्यादा बैठेगा गोट के बाद भी, तो हम पहले क्या करेंगे, हम हमारा ये देखिए हमारा कन्ने वाला हिस्सा, इसको मुड़ाई का निकालेंगे इस तरीके से, इस तरीके से फोल्ड कर देंगे मुड़ाई का। और ऊपर वाला भी हम हल्का सा चढ़ा कर सीते हैं, तो उसको भी मुड़ाई का, और चढ़ाने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये हल्का सा। देखिए मैं ये वाला हिस्सा ना काफी डीप लेती हूँ, अगर आप कम लेते हैं तो आपका आपको जैसे जिस तरीके का ठीक लगता है, पर मैं काफी डीप लेती हूँ ये वाला हिस्सा, ताकि हमारा कवर जो है वो आसानी से बंद हो जाए और हमें सिलने में भी कोई परेशानी ना हो उसको मुंह बंद करने में। अब हम इसका लेंथ नापेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी आसानी से बिल्कुल परफेक्ट साइज आ रहा है इसका। देखिए साइड से हम दोनों तरफ से गोट निकाल देंगे, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट सिल कर आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ हमें इसको सिलना किस तरीके से है। देखिए हम इसको रॉन्ग साइड पे रख लेंगे उल्टी तरफ से। देखिए हमारा तो वैसे दोनों तरफ से ही काफी अच्छा है, जिधर से भी आप चाहे बना सकते हैं, हमारा टू साइडेड है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा वैसे टू साइडेड है, तो हमारा व्हाइट वाला हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम व्हाइट वाली तरफ से बनाएंगे। तो हमने इसको ऐसे ही रखना है, देखिए इस तरीके से रखकर, ये देखिए इस तरीके से रखकर ये हमारा मुड़ाई ऊपर का जो हमारा पलट के हिस्सा आता है, देखिए आप इसका देख सकते हैं इसका कितना है। हम इससे थोड़ा सा ही एक्स्ट्रा रखेंगे, देखिए जो हमारा पलट कर आ रहा है, देखिए हमने इससे थोड़ा सा ये दो इंच का एक्स्ट्रा रखा है, दो अंगल का। ये हमारा ये जो हमारी कन्नी है हम इसको मुड़ाई में ले लेंगे, और एक्स्ट्रा मुड़ाई नहीं लगाएंगे हमारी डबल वाली, क्योंकि हमारी कन्नी है, हमारी एक सिलाई में भी काम बन जाएगा। तो हम इस तरीके से मोड़ेंगे इसको कन्नी को,
सिलाई लगानी है हमें। हम क्या करेंगे देखिए, हम हमारा एग्जैक्टली जो हमारा नाप है, देखिए हमारे इससे दो इंच एक्स्ट्रा है, तो हम उससे उसको ना इंच टेप से निशान लगा लेंगे। देखिए हम हमारा नाप ले लेते हैं इसका। देखिए ये हमारा एग्जैक्टली हम 8 इंच कर लेते हैं इसको, क्योंकि हमारा ये ऊपर नीचे हो रहा है तो हम इसको एग्जैक्टली 8 इंच रखेंगे। देखिए हमारा 8 इंच पे है, इधर से भी हम 8 इंच लेंगे। पहले हम इसको 8 इंच पे निशान लगा लेते हैं कट का, ताकि हमें अच्छे से याद रहे कि हमें 8 इंच पे ही इसको आके इधर फोल्ड कर देना है। हल्का सा कट लगा देंगे देखिए इस तरीके से। अब 8 इंच का हम इधर भी लगाएंगे। अगर आप इंच टेप से तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से जो आपका कैसे डबल फोल्ड करना है, देखिए ये रहा हमारा निशान वाला हिस्सा, इसे इस तरीके से पकड़ना है और नीचे वाले में भी कट लगा देना है। ये देखिए हमारे नीचे वाले में भी कट लगा दिया है हमने। देखिए हमारा कपड़ा बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ये निकलने वाला है। आप चाहे तो इस पर करके इंटरलॉक भी करा सकते हैं अगर आपका निकलने वाला कपड़ा है। हमारा तो हमारे अंदर गोट में चला जाएगा तो हमारा कपड़ा निकलेगा नहीं। देखिए हमने कर लिया है, हमें क्या करना है अब ये वाला पार्ट भी हमें इस गोट तक ही लेके, ये कट्स जो है कट्स तक ही लेके जाना है हमें इस तरीके से। हमें पहले क्या करेंगे, हम दोनों पार्ट में मुड़ाई लगाने के बाद, चलो पहले हम इसमें मुड़ाई लगा लेते हैं, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें हमारी मुड़ाई लगा लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये करने वाला हिस्सा फोल्ड करेंगे इस तरीके से और इस पर हमें मुड़ाई लगा लेनी है। देखिए अगर आप लोग जिप लगाते हैं ना, तो जिप हम मुड़ाई के साथ ही यहाँ पर ही हम जिप अटैच कर लेते हैं। मैं जिप नहीं लगाऊंगी तो हम डायरेक्ट ऐसे ही सिलाई मारेंगे। वाला ऊपर वाले हिस्से का जो कट है, कट हमें बिल्कुल किनारे रखना है इस तरीके से। किनारे रखते हुए यहाँ से सिलाई लगानी है हमें। पहले हम यहाँ तक सिलाई लगा कर लाते हैं, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। देखिए अब हमने यहाँ तक सिलाई मार ली है। देखिए ऊपर वाला हिस्सा जो हमारा मुड़ कर आया है, अभी हमारा नीचे वाला पार्ट है जो लंबा वाला है, ये छोटा वाला पार्ट है लंबा वाला, तो लंबे वाले पार्ट को हम इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ध्यान रखना है जो छोटा वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ आएगा, जो हमारा लंबा वाला पार्ट है वो हम इसके ऊपर चढ़ाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो हल्का सा देखिए हमने ये वाला इसको छोड़ते हुए इतने यहाँ पर रखना है, ये वाला पार्ट इतना ऊँचे पर रखना है और फिर हमें सिलाई लगानी है। देखिए ये इतने ऊँचे पर अब हम सिलाई लगा देंगे इस पर। देखिए हमारा ये हमने सिलाई लगा ली है, आपको दिखा दूं सही से। देखिए हमने सिलाई लगा के लिए रेडी कर लिया। अब हम इसके कोने बाहर निकालेंगे। आप कोई भी पेन के जरिए से, देखिए मैं पहले लिया है, इसके जरिए से आप इसके किनारे इस तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। देखिए चारों साइड हम किनारे बाहर निकालेंगे इसके। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम किनारे किनारे एक एक इंच छोड़कर हम इस पर गोट निकालेंगे। देखिए गोट निकाल के, आप लोगों को गोट निकालने नहीं आते तो मैं अच्छे से बता दूँ। देखिए हम 1 इंच, अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है आपको निकालने में, तो आप क्या करेंगे, आप ले लेके कोई भी इंच टेप या फिर देखिए इस तरीके से स्केल या इंच टेप ले सकते हैं और उससे आपने क्या करना है, इस तरीके से रखते हुए यहाँ पर देखिए 1 इंच का
और यहाँ पर चौक से निशान लगाना है इस तरीके से, एक इंच रखते हुए पूरा चारों तरफ आपको ऐसे ही निशान लगा लेना है। देखिए मैं निशान नहीं लगाऊंगा, मेरा वाइट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मैं तो बिना निशान के भी आसानी से वोट निकाल सकती हूँ, मैं आपके लिए बता रही हूँ। देखिए इस तरीके से आपको रखना है इंच का, और यहाँ निशान लगाना है इस तरीके से। आपको पूरा चकोर इस पर पहले निशान बना लेना है, फिर उसके ऊपर आपको आसानी से सिलाई चला देनी है बस। और आपको अगर चौड़ी कोट पसंद है तो आप 1.5 इंच की भी निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा चौड़ी ना निकालें, वो बहुत बुरी लगती है। मैं 1 इंच की गोट निकालूंगी हमारी, क्योंकि हमारे हैवी बड़े वाले तकिए हैं, तो उस पर क्योंकि हमारा वरना हमारे तकिए का साइज़ भी कम हो जाएगा। बस हमें थोड़े से इसका लुक देने के लिए हमें थोड़ी सी गोट निकालनी है, तो हम चलिए गोट निकालते हैं इसकी। देखिए किधर से भी शुरू कर सकते हैं, हम इधर से शुरू कर लेते हैं, डायरेक्ट ऊपर से नहीं, हल्का नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए, वरना अच्छा नहीं लगेगा ये एकदम चकोर। हमें अंदर 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 चकोर सिलाई चलानी है, तो हल्का सा छोड़ते हुए देखिए 1 इंच। देखिए फ्रेंड्स लग रहा है ना बिल्कुल रेडीमेड हमारा ये हमारा तकिए का कवर। देखिए इसी तरीके से मैंने दूसरा भी सिल के रेडी रखा है। देखिए ये हमारे दोनों के दोनों पिलो कवर्स रेडी हो चुके हैं। देखिए ये वाले हमारे आप मार्केट में जाकर देखेंगे तो आप देखिए 70-80 रुपये जोड़ी आपको ये पिलो कवर्स मिलते हैं, और जो आपके बेडशीट के मैच के होते हैं, महंगी वाले उसके होते हैं बेडशीट के, वो तो आपको और ज़्यादा महंगे मिलते हैं, 100-150 रुपये जोड़ी भी मिलते हैं। पास को करिए, पास को जो इधर उधर का नहीं था।